हेलो, मेरा नाम रफीक है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फोर्सकोप होता है, शायद आपने ऐसा वाला लिया हो या फिर ऐसा वाला लिया हो, इनको कैसे असेंबल करना है, कैसे बनाना है ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सके। तो अभी हम शुरुआत करेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या आया है, ये पहले देखते हैं। कुछ लेंस है, स्टिकर है, लेंस साफ करने के लिए है, कैसे बनाना है उसके तरीका इसमें दिया हुआ है, एक गाइड है और एक पेपर के अंदर कुछ पार्ट्स है। तो इन सबको इस्तेमाल करके हम फोल्डस्कोप बनाएंगे। शुरुआत हम ये वाले पेपर से करते हैं। इस पे पहले से ही आधे से कटे हुए अलग अलग हिस्से हैं। तो सबसे पहले हमको वो सारे हिस्सों को निकालना है। तो ये आधे कटे हुए हैं, इसलिए बहुत आसानी से ये निकल जाएंगे। इस तरह से ये वाला हिस्सा भी निकाल देना है। फिर इसी तरह से हमको सारे हिस्से एक-एक करके निकालना है। ये एक हिस्सा थोड़ा सा निकालने में मुश्किल होता है क्योंकि ये हिस्सा कई बार बीच से टूट सकता है। तो ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक है पूरा के एक हिस्सा, तो इसी को थोड़ा सा केयरफुली निकालना होगा। और इसके अंदर जो ये सफेद हिस्से हैं, उसको भी निकालना होगा। अभी बचा है कुछ स्लाइड्स है इसमें पेपर के, वो निकालने होंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको ग्लास के स्लाइड ही यूज़ करने पड़े, आप ये पेपर के स्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं। और इस जिस किस्म का पेपर यूज़ किया है वो आप धो के भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इनको अभी बाजू में रखता हूँ और हमारे पास अभी क्या क्या है उसका एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास ये एक पार्ट है, ये एक है, ये वाला नहीं चाहिए, इसको मैं बाजू में रखता हूँ, ये एक है, ये एक है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे इस हिस्से से। ये जो पाउच है जिसमें लेंस आए हैं, उनमें से एक लेंस, सिर्फ एक लेंस मैं इस तरह से निकालूंगा। मुझे देखना है कि सिर्फ एक ही लेंस मैंने लिया हो,
कई बार ऐसा होता है कि ये जो गोल वाला लेंस है, ये जो रेक्टेंगुलर है उसके साथ चिपक के आ सकता है, तो वो वैसा ना हो इसकी हमको खबरदारी रखनी है। तो ये वाला लेंस हमको आखिरी में लगाना है। तो अभी मैं सिर्फ एक ये ले रहा हूँ, इसमें इसमें से आप देख सकते हो कि ये जो एक होल है बीच में वो दिख सकता है। तो ये लेके पहले मुझे इसका जो ब्लू वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखना है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ छोटे से डॉट बने हुए हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक कपलर है ये एक चुंबक से बना हुआ है। यहाँ पे चुंबक लगे हुए हैं, इसके दो साइड है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये डॉट बने हुए हैं, और ये वाइट कलर के डॉट है, सफ़ेद कलर के। इसका मतलब ये है कि इसकी सफ़ेद वाली साइड ऊपर रहेगी। हम इसको जैसे लिफाफे में डालते हैं वैसे इसके चारों कोने इनके अंदर डाल देंगे ऐसे, और ये देखेंगे कि वो इनके साथ एक ही लाइन में आ गया है, तो मतलब हमने ठीक से लगाया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे, और एक हिस्सा लेंगे ऐसा ही, ये जो चुंबक से बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे काले डॉट बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाइट वाला नहीं, काला वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। फिर हम इसको उसी तरह से इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे, और देखेंगे कि वो एक सारे के सारे एक लाइन में आ गए या नहीं, तो इसका मतलब हमने ये ठीक से लगाया। फिर ये जो सारा पेपर है फोटोस्कोप का, इसके अंदर कुछ कलर दिए हुए हैं। जब पूरा फोटोस्कोप बनेगा तो सारे ब्लू कलर एक साइड आएंगे, सारे येलो कलर एक साइड आएंगे, और रेड सारे के सारे छुप जाने चाहिए। अगर कोई रेड कलर दिखता है तो इसका मतलब हमने कोई गलती किया है, तो लाल कलर छुप जाना चाहिए। तो इसलिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ से, फिर इसको ये तीन जो कटे हुए भाग है अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से दबा देंगे, तो ये दोनों के दोनों हिस्से अपने तैयार है। अभी इसमें से एक लेंस निकालना है हमको, ये जो गोल है वो लेंस है, और ये जो स्टिकर वाली थैली है इसके अंदर से हमको ये वाला रिंग स्टिकर वाला एक स्टिकर निकालना है। ये निकालते वक्त कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों साइड से चिपकने वाला स्टिकर है, तो निकालते वक्त कई बार ऐसा हो सकता है कि हम निकालें और स्टिकर यहीं पे रह जाए, तो हमको ये ध्यान रखना है कि स्टिकर जो है वो यहाँ पे आए। अब मेरी उंगली चिपक रही है, मतलब स्टिकर यहाँ पे आया है। मैं उसको लेकर अंदर वाले साइड से स्टिकर को इस तरह से लगाऊंगा कि वो बराबर बीच में ही बैठ जाए, इस तरीके से। फिर उसको थोड़े से अच्छे से दबाना है, और ये जो ऊपर वाला पेपर है वाइट पेपर वो निकाल देना है। अब जो स्टिकर था वो यहीं पे है, शायद मैं उसको इस तरह से अगर करूँ तो वो चमकेगा। फिर ये वाली लेंस लेनी है, और इसका काला वाला हिस्सा आपकी तरफ रहेगा और सफ़ेद वाला हिस्सा अंदर जाएगा। इस तरीके से लगा के हमको इसको ऐसे दबाना है। उसी थैली में से एक और स्टिकर निकलेगा, ये वाला जो स्टिकर है ये यहाँ पे लगाना है,
ये स्टिकर का काम आपको मैं एंड में बताऊंगा। ये आपको फोल्डस्कोप की वेबसाइट पे आपका अकाउंट बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हमने लगा दिया। अब ये वाला हिस्सा जो था वो हमारा पूरा हो गया, तो मैं इसको बाजू में रखता हूँ और अभी ये वाला हिस्सा लेता हूँ। अभी इसको हम, इसके भी दो साइड है, एक साइड से थोड़े कलर्स है और एक साइड पूरा के पूरा सफ़ेद है, तो इसको हमको सफ़ेद वाले साइड से इस तरीके से मोड़ना है, हर जगह पे दो बार मोड़ना है, यहाँ पे एक, फिर ये दूसरा, तो यहाँ पे दो हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी दो बार मोड़ना है, एक दो, यहाँ पे भी दो बार हो गया, एक दो, एक दो, इस तरीके से दो बार हो गया। अभी छोटे वाले हिस्से से इसको घुमाते हुए इस तरीके से बना लेना है, तो इसके एक हिस्सा जो है वो काफ़ी पतला है और इधर वाला जो हिस्सा है वो मोटा है। अब ये मोटे वाले हिस्से से पकड़ के ये जो हमने पहले बनाया था उसमें एक हिस्से से ये छोटा हिस्सा वाला यहाँ से डालना है और इसको इससे इस तरीके से निकालना है ताकि वो जब हम चाहे तब इसको ऐसे हिला सके। तो ये जो है इसको हम फोकस रैम्प बोलते हैं, जिससे हम जब फोल्डस्कोप से कुछ देखेंगे तो उसको इस तरह से हिला के फोकस कर सकेंगे। अब हम इसको, मैं इसको बाजू में रख देता हूँ। अभी ये वाला हिस्सा लेता हूँ, इसको, इसका ब्लू और येलो साइड है, ब्लू वाला साइड ऊपर रख के हमारी तरफ ब्लू वाला साइड रहेगा, तब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ जो कटा हुआ हिस्सा है उसमें ऐसे डाल देंगे इस तरीके से, इसको अंदर हम डाल देंगे। ये वाला हिस्से को हम स्लाइड का ये स्टेज है जिसमें हम जो भी सैंपल देखने वाले हैं वो इसके अंदर रखने के लिए होता है। फिर ये वाला हिस्सा उठाएंगे और दोनों को, ये वाला नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर रहेगा और इस तरीके से हमको छोटा वाला नीचे रखना है, बड़ा वाला ऊपर रखना है और इस तरीके से इसमें से पिरो के खींचना है बाहर। उसी तरह से दूसरे एंड से भी उस तरह से उसको पिरो के बाहर खींचना है। उसको जब आप पलट के देखेंगे तो यहाँ पे जो लाल कलर के लाइन थे अब वो नहीं दिखाई दे रहे, तो हमने, इसका मतलब हमने ये ठीक से लगाया। फिर ये दोनों हिस्से एक साथ लेने हैं और ये वाला जो, ये दोनों हिस्से लेकर ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। इस तरह कैसे रखे कि इसमें से आपको फोल्डस्कोप जो नाम है वो दिखाई दे। फिर मैं इसको अगर उल्टा करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रेड कलर दिख रहे हैं, तो ये रेड कलर अब हमको छुपाना होगा, तो इसको पीछे ऐसे ढकेलेंगे, इसको पीछे ऐसे ढकेलेंगे, इसको ऐसे ढकेलेंगे, इसको ऐसे ढकेलेंगे, तो ये रेड पीछे चला जाएगा। ऐसा ही नीचे वाले के लिए भी करेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे। अभी आखिरी स्टेप है हमारे फोर्स को बनाने का, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार मार्क बने हुए हैं, तो यहाँ से हमको इनको फोल्ड करना है। तो पहले फर्स्ट वाले को हम इसकी तरफ फोल्ड करेंगे, फिर सेकंड वाला जो है उसको भी उसी डायरेक्शन में मोड़ेंगे, तीसरा जो है उसको भी उसी डायरेक्शन में मोड़ेंगे
और चौथा जो है उसको उल्टे डायरेक्शन में मोड़ेंगे और उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये हुआ हमारा फोल्डस्कोप तैयार। यहाँ से हम सैंपल रखेंगे, ये ऐसे लगा देंगे और यहाँ से देखेंगे।